सदियों से चली आ रही परंपरा को बखूबी आज भी निभाया जाता है। पूरे गांव के लिए भ्रमण करती है घास बाबा की सवारी। सदियों से पर्व और उत्सव हमारी धार्मिक आस्थाओं और मान्यता की परंपराओं से जुड़कर हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं, जो न केवल हमें समानता प्रदान करते हैं बल्कि हमारी हताश और निराशा को भी दूर करते हैं, हमें भरपूर ऊर्जा से भरे भी रखते हैं। लोक देवताओं से जुड़ा ऐसा ही एक पर्व है घासी बाबा की सवारी। ये दीपावली के दूसरे दिन एक निश्चित स्थान से आरंभ होकर पूरे गांव में भ्रमण करती है। लोक मंगल की कामना के साथ ही निकाले जाने वाली इस सवारी के पीछे मान्यता है कि देश की अच्छी बारिश होती है, साथ ही प्रकृति आपदाओं और बीमारियों से भी बचाव कर हमें आरोग्य प्रदान करती है। इस पर्व के पीछे एक लोक मान्यता बैलों की शक्ति होती है। प्रशिक्षण से जुड़ा ऐसा ही सवारी जिसे बैल खींचते हैं, जिसे उनकी शक्ति का प्रशिक्षण भी होता है। लोक स्फूर्ति ये भी है कि आम दिनों में घास भैरू बाबा की प्रतिभा को आसानी से इधर उधर रखा जा सकता है, लेकिन घासी बाबा की सवारी के दिन प्रतिभा में अधिक शक्ति समती हो जाती है और उसे निचोड़ने पर रखने पर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। सदियों से इस परंपरा को बखूबी गांव वाले आज भी निभा रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव जरूर है, गांव बैलों की जगह अभी ट्रैक्टर को यूज में लिया जाता है और इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। दिवाली के ऊपर ये घास बाबा निकाला जाता है। कौन सा गांव है? बुआरू गांव में है। मतलब 21 बजे से निकाला जाता है, क्या होता है इसे निकालने से? किस वजह से ये तो निकाला? परंपरा की है सर। नहीं तो क्या माना जाता है इसके अंदर भाई, दीपावली के कोई ऊपर? जानवरों अनवरों का कोई बीमारी मारी नहीं होता है जिनसे, अच्छा और इसलिए तो हर दिवाली के राम राम को निकाला। तो सभी जगह निकलता है ये या आपके गांव में कोई?